आ गई तेरी आवारा बेटी, कहां से पकड़ के ला रही हो इसे? चल। सही कहती थी नंदिता, मित्तल्स को बदनाम करने की चाल थी इन भूतबाड़ी वालियों की। अब किसका घर बर्बाद करने आई, चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? तुम्हारी तरह किराए के घर में नहीं रहते हैं हम, खुद के पैसों से खरीदा हुआ घर, कहीं नहीं जाने वाले हम। और हिम्मत है तो हमें निकाल कर दिखाओ। किसी और को कुछ पूछना बोलना है? हाँ? बाय। मुझे पूछना है। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा अप्पू? किस बात का बदला लिया तुमने मुझसे? बोलो। मले बेटा अंदर चलो, अंदर चलकर बात करते। इस तरह सबके सामने तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। तमाशा तो मेरा मंडप में ही बन गया था काकी, जब मेरी दुल्हन वहां नहीं पहुंची थी। कहां थे तुम अप्पू? और काकी, आपने तो कहा था कि अप्पू मिल नहीं रही है, तो शादी के बाद तुरंत कैसे मिल गई? बोलो अप्पू। मले, कहाँ जा रही हो अप्पू? जवाब दो, मुझे जवाब सुनना है। तुम मुझे जवाब दिए बिना नहीं जा सकती। मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूं। तुमने जो मुझे फोन पे कहा था, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। बोलो अप्पू। कहाँ जा रही हो? बोलो। मुझसे आंखें मिलाने की हिम्मत है? मेरे परिवार को बदनाम करके यहां वापस आने की हिम्मत है तो मेरे सवालों के जवाब देने की हिम्मत क्यों नहीं है? बोलो। मले, मले प्लीज। चलिए यहां से। दीदी, दीदी सुबह हो गई? ओहो, फिर से सुंदर का जिम मिस हो गया। अब सुंदर की हेल्थ भी बर्बाद हो जाएगी। क्या दीदी, सपने में कल्पना की लाइफ बना रहा था, आपने सपना ही तोड़ दिया। तुम लोग को पता नहीं है, अच्छी प्यारी दीदी कैश लेके आई है। बंद करो अपनी बकवास। यहाँ मेरी लाइफ दांव पे लगी है और तुम सबको अपनी अपनी पड़ी है। है ना, कौन है जो तुम्हारी लाइफ फिर से बर्बाद कर रहा है? तुम सबने। अप्पू जिंदा है। ये हो ही नहीं सकता। चाकू मारे निकम्बा, बचा सके ना कोई। मैंने खुद अपने हाथों से उसकी कब्र खोदी है। हाँ हाँ दीदी, जैसे मेरे हाथों से खाना नहीं बच सकता ना, वैसे ही हमारे वार से अप्पू नहीं बच सकती। क्यों दीदी, आपने जरूर कोई असुंदर सा सपना देखा होगा। चिल। हाँ, ये तो दीदी का पुराना फार्मूला है, फार्मूला नंबर 228। बस
कहानियां सुना दी हम लोग को और पहना दी टोपी सिर पे। हाँ याद है, अपनी सहेलियों से कहती थी कि सुंदर तुम्हें बड़ा पसंद करता है और अपना सारा होमवर्क उनसे करवा लेती थी। मुझसे कहती थी कि इनकी सहेलियां मुझे पसंद करती हैं। वैसे ना दीदी ने सबसे ज्यादा मुझे सताया, मुझे कहती थी कि ज्यादा मीठा खाएगा ना तो चींटियां तुझे उठा कर ले जाएगी और मेरी सारी चॉकलेट दीदी खा जाती थी। मैंने कहो ना बंद करो अपनी ये बेहूदी बकवास और चलो मेरे साथ, मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि सच क्या है। देखा दीदी, यहाँ तो कोई भी नहीं है, बिना बात के आप मेरी नींद खराब कर दी। हाँ वो चौकीदार है ना जो तुम्हारे स्वागत के लिए यही खड़ी रहेगी। अरे बहन मैं ये मान ही नहीं सकता कि जिस लड़की की लाइफ हमने बनाई हो। मुंह से बकने से पहले कभी दिमाग से भी सोचा करो। मैं तो बस ये कह रहा था कि उसका यहाँ होना मुमकिन नहीं है। नहीं, मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेती मुझे चैन नहीं आएगा। वेरी गुड, और अंदर जाके क्या पूछेंगी? एक्सक्यूज मी, हम वो पूछने के लिए आए हैं कि आपकी जिस बेटी को हमने मारा था वो ठीक से मरी या नहीं। दीदी ये सही कह रहा है, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। एक रास्ता है। क्या? अप्पू के कमरे की खिड़की। अगर वो जिंदा है तो अपने कमरे में ही होगी। चुप! तुम लोगों ने मुझे ऊपर भेजा, सुंदर की उंगली कट गई और सुंदर को खून बिल्कुल पसंद नहीं है। जाओ सुंदर के लिए एंटीसेप्टिक लेकर आओ। जाओ। क्या हुआ सुंदर, और इतना शोर क्यों मचा रहे हो? देखो सुंदर को चोट लगी। आओ जीजू, सुंदर को दर्द हो रहा है, बहुत खून बह रहा है, इसको अंदर लेकर चलो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ, और आप लोग इतनी रात को कल्पना काकी के घर के बाहर क्या कर रहे हैं? और ये सुंदर मामा, इनके हाथ पे चोट कैसे लगी? वो बेटा अब क्या बताएं, हमसे तुम्हारा ये हाल देखा नहीं जा रहा था भाई। मामा है तुम्हारे, मामा का मतलब समझते हो ना? तो माँ। हाँ, उस कल्पना और उसकी बेटी ने मिलकर तुम्हारी लाइफ बिगाड़ दी। हमको तो रात पर नींद नहीं आई, हमारे भांजे की लाइफ का सवाल था तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक बार चल के उस अप्पू से एक बार पूछें तो सही कि उसने तुम्हारी लाइफ में ये सब किया क्यों, क्यों सबके सामने तुम्हारे प्यार का मजाक उड़ाया, क्या मिला उसे ये सब करके। तो बस वो जानने के लिए आए थे और हमने दरवाजा खटखटाया, पर कल्पना ने जानबूझकर सुंदर की उंगली पर दरवाजा बंद किया। देखो कितना बुरा हाल हुआ है, देखो। वाले बेटा, पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है, बेइज्जती हो चुकी है मित्तल परिवार की, अब और तमाशा करने की जरूरत नहीं है। और आप सब लोग एक बात कान खोलकर सुन लो, हमारा अप्पू या उसके परिवार से कोई लेना देना नहीं है, समझे? जी दीदी। चलो मले। हो गया, बस हो गया। अगर इस चोट ने मेरी उंगली पे निशान छोड़ा तो मैं उस कल्पना का नामो निशान मिटा दूंगा।
अब्बू का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए, उसकी माँ का क्या खाक बिगाड़ोगे? वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, तुम लोग चार थे और वो अकेली, फिर भी वो बच कैसे गई? कोई बताएगा मुझे? दीदी यही पहली तो हमारी समझ में नहीं आ रही कि वो लड़की बच कैसे गई। हाँ वैसे ये पहली ना तो लजीज है और ना ही अजीज। हाँ दीदी कसम माँ लक्ष्मी की, एक बार इसके मुंह से समोसा बच के वापस आ सकता है, लेकिन मेरे हाथों से लड़की बच जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ दीदी इस लक्ष्मी के प्रेमी की वजह से वो बच सकती है बस। तूने एसिड की जगह पानी डाला ना तेरे ये लक्ष्मी को बचाने के चक्कर में। क्या बात करता है, अभी बताता तुम्हें, देख क्या ला रहा है। ये देख निकम का सारा काम पक्का रहता है, समझा? ये रहे बिल। अरे इससे क्या होता है, डुप्लीकेट बिल बनाना डुप्लीकेट एसिड बनाने से ज्यादा आसान होता है। मुझे तो लगता है इसने ना पानी में अपना पसीना मिलाकर घर पे ही एसिड बनाया होगा। ऑफ कोर्स ये कंजूस था, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो डुप्लीकेट तेरी नाम डुप्लीकेट करके बैठे। चुप चुप चुप। पहले बात को समझो, पहली बात कि हमें नहीं मालूम कि वो लड़की जिंदा है या नहीं क्योंकि उसे हमने देखा नहीं है। दूसरी बात अगर वो जिंदा है तो उस कल्पना ने उसे हमारे सामने आने क्यों नहीं दिया। मदन ठीक कह रहा है, बात इतनी सीधी नहीं जितना कल्पना दिखा रही। निगम एक काम कर, तू अभी उस गड्ढे पे जा और देख क्या, हमें भी तो पता चले कि लाश जिंदा कैसे हो गई, इसके पीछे सच्चाई क्या है। जा, जा। और मैं अकेले क्यों जाऊं? आप साथ में जाएंगे, पैसे तो सबने साथ में लिए हैं। वाह भाई वाह। नहीं हम सबका एक साथ जाना खतरे से खाली नहीं होगा, और शायद वो कल्पना भी यही चाहती है कि हम सब एक साथ जाएं और पहेली में उलझ कर रह जाएं और वो पीछे से अपना कोई खेल खेलते, इसीलिए तुम चारों में से कोई एक जाएगा। सुंदर तो दर्द में है और सुंदर को कोई बदसूरत चली हुई लाश देखने का कोई शौक नहीं है। वैसे तो मेरा भी जाने का सवाल ही नहीं उठता, वो क्या है ना आज पूरा दिन मैंने बहुत भागम भागी की ना, तो मेरे पेट में ना चूहे महाभारत खेल रहे। देखो दीदी ये दोनों तो कर रहे बाना, लेकिन निकम करता है साफ सीधी बात, जितने पैसे दिए थे उसका हो गया काम, और अगर अब निकम से काम कराना है तो जेब करो टॉप अप बस। हाँ दीदी मुझे मालूम तुम लोग कैसे जाओगे, हमें फॉर्मल नंबर 404 लगाना पड़ेगा, तुम लोग तैयार हो? दीदी एक पर छोड़ आतुष तुम जाओगे। है? मैं हाँ तुम आलतू जलाल तू आई भला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई भला को टाल तू। ये मदन और सुंदर भी ना चीटिंग करके मुझसे ऐसे ऐसे काम कराते रहते हैं। फालतू चलाल तू आई बुला को टाल तू, फालतू चलाल तू मगरे मगरे। कौन है, कौन है? कोई नहीं कोई नहीं, वो शेरा वाली हनुमान जी। आलतू चलाल तू आई बुला को टाल तू, आलतू चलाल तू आई बुला को टाल तू, आलतू चलाल तू आई बुला को टाल तू। ठीक है कपड़ा यहाँ है तो हटिया भी यही होगी। अरे पायल की आवाज, पायल की आवाज आना ठीक बात नहीं है। आ,
कौन है? कौन है यहाँ पे? कोई दिखता क्यों नहीं है? कोई है? कौन है वहाँ पे? माँ शेरावाली, ये तो अप्पू का मजान सुंदर, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है, समझे ना? बाहर निकलो वरना बहुत मारूंगा, निकलो। हमने हमने तो तुम्हें बहुत बहुत देखो, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे। मम्मी प्रॉमिस, मैं दोबारा कभी नहीं ऐसा करूंगा। सॉरी पर मुझे अंधेरे में नींद आती है। आई होप यू डोंट माइंड। अच्छा है, कई बार अंधेरे में रहना ही बेटर होता है। मले मैं जानती हूँ ये वक्त आपके लिए मुश्किल है, पर इस वक्त में ना कोई कुछ कह सकता है और ना ही कोई कुछ कर सकता है जिससे आप बेटर फील कर सके। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, टाइम सब कुछ ठीक कर देता है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। आतोष मामा, हेलो। हेलो हेलो मामा, मुझे 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 हेलो आतोष मामा, मुझे आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे क्या बोल रहे हैं तुम, क्या मुझे 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 हेलो मामा जी, क्या हुआ? माँ माँ, सुंदर मामा जी, मदन मामा जी, जल्दी आइए। मले बताइए तो हुआ क्या है? हेलो, क्या हुआ मामा जी, कहाँ हैं आप? हेलो, आतोष क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? किससे बचाओ, क्या हो रहा है वहाँ, क्या हुआ? हेलो मामा जी, आतोष मामा जी, हेलो आतोष,
हेलो आतोष, आतोष लगता है आतोष मामा किसी मुसीबत में, हमें चलना चाहिए। नहीं मालिक, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारे मामा है ना, वो चले जाएंगे। हाँ। नहीं माँ, मामा जी मुश्किल में और मैं यहाँ बैठा रहा हूँ। आप लोग चलिए, मैं चेंज करके आता हूँ। हेलो, ये कहाँ पर? क्या? ऐसा किसी के साथ नहीं करूँगा।